कि अगर मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं अपने मौलवी साहब से जुमे के दिन बावजूद मिंबर पर ढोल बजवाऊंगा, क्या आप मुझे इजाजत देते? अच्छा, औरतें जो है ऐसी मन्नतें मान लेती हैं जिसका उतारना वाजिब नहीं है, बल्कि ना उतारना वाजिब है, उतारना वाजिब नहीं, ना उतारना वाजिब। ऐसे ही एक मौलवी साहब की बीबी ने मन्नत मान ली, बेटा बीमार पड़ गया था, कहे ला अगर मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं अपने मौलाना से जुमा के दिन मिंबर पर बावजू ढोल बजवाऊंगी, यानी वजू ढोल भी बजे तो बावजू, ढोल भी बजे तो बावजू। अच्छा, खुदा की शान बेनियाजी देखिए, बेटा अच्छा हो गया, अब मौलाना आए, बीबी ने कहा ए मौलाना मैंने मन्नत मानी थी। कहा भाई कैसी मन्नत? कहा तुम्हें मालूम नहीं कि बेटा बीमार पड़ गया था? मैंने मन्नत ये मानी अगर मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं अपने मौलाना से मिंबर पर जुमा के दिन बावजू ढोल बजवाऊंगी, बेटा अच्छा हो गया ढोल बजाना होगा। कहा ये तूने कैसी मन्नत मान ली? मैं हमेशा तकरीरों में कहता रहता हूं ढोल बजाना हराम है, हराम है, हराम है। कहे मौलाना बजाना होगा नहीं वरना खैरियत नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मौलाना के लिए ये था कि ढोल ले कैसे जाए मस्जिद के अंदर। अच्छा खैर, उन्होंने एक सूरत ये निकाली कि एक चादर का इंतखाब किया, हाँ, और चादर में जो है ढोल को लपेटा और जुमे के दिन पहुंच गए, पूरी मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी पड़ी हुई है। अब जैसे ये मस्जिद में ढोल लेकर के दाखिल हुए वो गठरी, तो सारे नमाजियों की पूरी तवज्जो इनकी गठरी की तरफ। अब लोग सोचने लगे कि भाई आज मौलाना हमेशा वाज किया करते थे, वाज बयान किया करते थे, लेकिन शीरीनी कभी नहीं बांटते थे, आज शीरीनी गठरी साथ में लेकर के आए। नमाजियों ने शीरीनी गठरी समझ लिया, उसे बड़ी तेजी में पहुंचे और मिंबर के पास उस गठरी को रखा और जल्दी जल्दी सुन्नत की अदायगी की और बड़ी तेजी के साथ उठे और गठरी खोलने लगे। सारे नमाजी हैरान कि अभी हजरत ने वाज भी नहीं फरमाया और शीरीनी गठरी पहले खुल। बड़ी तेजी के साथ ढोल को निकाला और फुर्ती के साथ मिंबर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद अच्छी तरीके से देख लो नबी की बारगाह में, ऐसे ही मेरे आका की बारगाह में एक खातून आ गई थी। आने के बाद अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी है। क्या मन्नत? या रसूल अल्लाह मन्नत ये मानी थी कि अगर मेरा पैगंबर फला गजवे से कामयाब होकर पलटेगा तो मैं अपने नबी की काशाने ताहिरा में दाखिल होकर अपने आका के सामने ढोल बजाऊंगी और गाना गाऊंगी। या रसूल अल्लाह आप गजवे से कामयाब होकर पलटे हैं, आका मुझे इजाजत दे दे। सुभान अल्लाह, आप गजवे से कामयाब होकर लौटे हैं, मेरे आका मुझे अपनी मन्नत को उतारने की इजाजत दे। आका ने इरशाद फरमाया, ठीक है तू गा भी ले बजा भी ले, तेरे लिए जायज है, सबके लिए नाजायज है। देखा आपने, ऐसे भी साहिल को मेरे आका ने मायूस ना जाने दिया। और जाने क्यों देते? क्योंकि मेरे रब ने अपने हबीब को हर चीज का कौफर देकर हर चीज का मालिक बना दिया। अपने नबी की शान देखो, ये लोग कहते नहीं माजल्ला कि पैगंबर को किसी चीज का इख्तियार नहीं दिया गया, उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं है, ये नादान है, जाहिल है। रात ईमान वाला वही है जो अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे आका ने पूछा था, ऐ सिद्दीक ये बताओ तुम्हारी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब क्या है? सुभान अल्लाह, भाई लुत्फ आ रहा है कि नहीं? ये खत्म कर दे। मेरे आका ने पैगंबर इस्लाम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा था, ऐ प्यारे उमर, ऐ प्यारे अबू बकर, ये बता कि तेरी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब क्या है? अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे नजदीक सबसे ज्यादा तीन चीज महबूब है। आका इरशाद फरमाते सिद्दीक वो तीन चीज क्या
क्या है? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पहली ये उन्जुर इलैक, आपका देखना मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। उन्जुर इलैक, या रसूल अल्लाह हर वक्त आपको देखता रहूं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे बड़ा महबूब है। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने मुस्कुराकर इशारा फरमाया, ए अबू बकर दूसरी चीज क्या है? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल जुलूस इंदक, आपके पास हर वक्त बैठे रहना, ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मुस्कुराकर इशारा फरमाया, ए अबू बकर तीसरी चीज क्या है? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल मालो इन्फाक इलैक, आप पर अपना सब कुछ मालो मता निछावर करना, कुर्बान करना, ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। इसमें नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, आपका देखना महबूब, आपके पास बैठना महबूब, और आप पर सब कुछ कुर्बान करना महबूब। सुभान अल्लाह, ये है सहाबा की मोहब्बत पैगंबर इस्लाम से। और वाकई में इतना महबूब था आपके पास बैठना, इतना महबूब था, इतना महबूब था कि जमाना आज भी देख रहा है और कयामत की सुबह तक देखता रहेगा कि जिस गुंबदे खदरा के अंदर मेरा नबी आराम कर रहा है, उसी गुंबदे खदरा के अंदर सैयदना सिद्दीक आबर भी आराम कर रहे हैं। ऐसे बैठे आका के पास, ऐसे बैठे आका के पास कि जहां पे पैगंबर आराम कर रहे हैं वहीं पर सिद्दीक अकबर भी आराम कर रहे हैं। अल जुलूस इंदक, आपके पास बैठना ज्यादा महबूब है। आप जरा सा देखें कैसी मोहब्बत है। हजरत अली की नमाज असर कदा हो गई, कैसे मेरे आका ने अपना सर यकदस दानवी अली पर रखकर आराम करने लगी मकामे सहबा में। अल्लाह अल्लाह, जबकि नमाज ये अफजरुल इबादात है। सूरज डूबने वाला था, हजरत अली की आंखें इश्किबार हो गई कि रब की इबादत फौत हो रही है, लेकिन अल्लाह का मुकद्दस हबीब आराम कर रहा है। अगर पैगंबर को हम बेदाल करते हैं तो पैगंबर की इस्तिराहत में खलल पड़ेगा, मोहब्बत रुसवा हो जाएगी, मोहब्बत दागदार हो जाएगी, पैगंबर इस्लाम को बेदार करने की जुरात ना कर सके। क्यों? इसलिए कि अली को मालूम था कि जो नबी जानवे अली पर आराम कर रहा है, अरे उसी नबी के सदके में तो ये नमाज मिली है, उसी नबी के सदके में। अली बेदार ना कर सके, सूरज डूब गया, बेदार ना करके जमाने को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, पहले नबी की मोहब्बत है फिर नमाज है, पहले नबी से मोहब्बत है फिर नमाज है, पहले नबी से मोहब्बत है फिर नमाज है। अच्छा, ये मोजिजा बड़ा मशहूर है, सभी बयान करते नहीं, बजाहिर ये एक मोजिजा नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस वाके में मेरे नबी की तीन तीन मोजिजा पिनहा है, हकीकत में तीन ये मोजिजा है। सूरज डूब गया और इसकी गवाही कुरान दे रहा है, हत्ता गरबती शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया, सुम्मा तलाक फिर तुलू हुआ, मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, सूरज निकल आया। पहला मोजिजा ये है कि सूरज डूब गया, मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, सूरज निकल आया, ये पहला मोजिजा। और दूसरा मोजिजा ये है कि जब सूरज निकलता है डूबने के बाद तो दिन होता है,
जी दिन होता है, मेरे नबी ने सूरज को निकाला, दिन हुआ और दिन को असर में तब्दील कर दिया। ये दूसरा मौजिजा है। उंगली का इशारा किया, सूरज तुलू हो गया, पूरे जहान में दिन निकल आया और मेरे नबी ने उस दिन को वक्ते असर में तब्दील कर दिया। ये मेरे नबी का दूसरा मौजिजा है। और मेरे नबी का तीसरा मौजिजा ये है कि सूरज के 40,000 लगाम हैं। कितने लगाम? 40,000। और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचते हुए जेरे अर्श ले जाते हैं। वो अपने रब की बारगाह में जाकर सर्व सुजूद होता है। कितने? 70,000 फरिश्ते एक एक लगाम को। और सूरज के लगाम कितने? 40,000। और एक फरिश्ते की ताकत का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो 70,000 फरिश्तों की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? आओ देखो मेरे नबी का तीसरा मौजिजा। मेरे नबी ने जब उंगली का इशारा किया, इधर हर सूरज के लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच कर जेरे अर्श ले गए, इधर नबी ने उंगली का इशारा किया, मेरे नबी की उंगली सूरज में टच नहीं हुई, सिर्फ इशारा कर दिया, खड़ा कर दिया, सूरज के साथ वो सारे के सारे 70,000 फरिश्ते खींचते हुए चले आए। ये मेरे नबी का तीसरा मौजिजा। बेशक ये मेरे नबी का तीसरा मौजिजा। अरे मियां, अरे मैं उस उंगली की ताकत का अंदाजा क्या बताऊं जिस नबी ने उंगली का सिर्फ इशारा किया था, उंगली टिक भी नहीं हुई, सिर्फ इशारे अंगुष्टे रिसालत की ताकत का आलम ये है, तो फिर जिसमें रसूल की ताकत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब नबी के अंगुष्टे रिसालत के इशारे की ये ताकत है, तो फिर जाते रसूल हाशमी की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? टूट जाएंगे कयामत में, टूट जाएंगे गुनाहों के फौरन कैदोबंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदोबंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। तभी तो बरेली का ताजदार इरशाद फरमाता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका से मेरा रब इरशाद फरमाता है, महबूब मायूस मत जाने देना, हर चीज का कौसर देकर हर चीज का मालिक बना दिया। अब एक साहब आ गए आपकी उमर भाई के पास। उमर भाई सुनिए सुनिए क्या बात है भाई। कहा मुझ में चार ऐब हैं, शुमार कराया, झूठ बोलता हूं, चोरी करता हूं, बदकारी की इल्लत है, चोरी भी करता हूं। कहा अच्छा। उमर भाई चौंक पड़े, एक झूठा आ गया, एक चोर आ गया, एक शराबी आ गया, एक अय्याश आ गया। अच्छा ये बता आया किस लिए? आने वाले ने कहा उमर भाई एक छुड़ा दीजिए, बाकी हमें सबकी इजाजत दे दीजिए। उमर भाई को आया जलाल, उठाया हाथ, एक चाटा रसीद कर दिया। कहा नादान, जिन चीजों को तूने शुमार कराया है, इनका शुमार खबाइश में से होता है, और मैं कौन होता हूं? जब शरीयत खबाइश चीजों की इजाजत नहीं देती, तो मैं कैसे इजाजत दे सकता हूं? झूठ बोलना ये खबाइश में से है, चोरी करना खबाइश में से है, शराब पीना ये खबाइश में से है, बदकारी करना ये खबाइश में से है, मैं कैसे इजाजत दे सकता हूं? निकल जाए यहां से, पता नहीं कहां से आ गया। है कोई जो इस साइल के सवाल को पूरा कर दे? ऐसे साइल को हर जगह से निकाला जाएगा, झुकारा जाएगा, भगाया जाएगा,
मायूस किया जाएगा। लेकिन आओ चलते हैं अपने नबी की बारगाह में और अपने नबी की इख्तियार अकमल को देखते हैं कि मेरे नबी के इख्तियारो इख्तियार का आलम क्या था। ऐसे ही एक आए साइल आ गया आका की बारगाह में, आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मुझ में चार ऐब है, शुमार कराया, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ, बदकारी की लत है। मेरे नबी ने इफ़्रात फरमाया, ऐ आने वाले ये बता तू किस मकसद से आया है। अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह एक छुड़ा दीजिए, बाकी हमें सबकी इजाजत दे दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, झूठ मत बोलना, बाकी सबकी इजाजत है। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं झूठ मत बोलना, बाकी सबकी इजाजत। बड़ा खुश होकर के निकला था काशाने रिसालत से और डंके की चोट पर सीना ठोक कर ये कहता हुआ जा रहा था, झूठ ही तो नहीं बोलना है ना, अब तो डंके की चोट पर शराब पिया जाएगा, अलल ऐलान शराब पिया जाएगा, दुर्रे नहीं लगेंगे, चोरी करूंगा हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि अब तो सरकारी इजाजत मिल चुकी है। सीधे शराब खाने पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जाकर के शराब की एक बोतल ली और लेकर के जैसे ही कयामगाह पर आकर शराब की बोतल के ढक्कन को खोलकर लब के करीब ले गया, मेरे नबी का ये फरमान याद आ गया, ऐ शख्स झूठ मत बोलना, बाकी सबकी इजाजत। अब सोचने लगा कहीं सुबह सुबह नबी की बारगाह में अगर हाजिरी लग गई तो मेरा नबी अपने काशाने ताहिरा में तनहा नहीं होता है, दीवानों का हुजूम होता है, दीवानों का जमघटा होता है, दीवानों का जम्मे गफीर होता है, उन्हीं दीवानों में सिद्दीक भी होते हैं, उमर भी होते हैं, उस्मान भी होते हैं, अली भी होते हैं, तलहा भी होते हैं, जुबैर भी होते हैं, साद भी होते हैं, सईद भी होते हैं, अबू ज़र गिफारी भी होते हैं, अब्दुल रहमान इब्न औफ भी होते हैं, एक से बढ़कर एक अजिल्ले सहाब मौजूद रहते हैं। अगर मेरा नबी उन्हीं दीवानों की मौजूदगी में मुझसे पूछ लिया ऐ शख्स रात कैसी गुजरी, तो झूठ तो बोलना ही नहीं है, कहना पड़ेगा आका मैंने शराब पी है, बड़ी रुसवाई होगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी, दीवानों की निगाह में रुसवा हो जाऊंगा, सिद्दीक की निगाह में खार हो जाऊंगा, उमर की निगाह में जलील हो जाऊंगा, अली की निगाह में शर्मशार हो जाऊंगा, लिहाजा लाओ क्यों ना इसे छोड़ दे। उठाया बोतल और फर्श पर दे मारा, तोड़ दिया, चोरी करने के लिए बढ़ा। फिर ख्याल आ गया कहीं सुबह सुबह नबी की बारगाह में हाजिरी लग गई तो मेरा नबी तनहा नहीं होता है, दीवानों का हुजूम होता है, अगर अल्लाह का हबीब मुझसे दरियाफ्त कर लिया ऐ शख्स रात कैसी गुजरी, तो झूठ तो बोलना ही नहीं है, कहना पड़ेगा आका मैंने चोरी की है, बड़ी रुसवाई होगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी, लिहाजा क्यों ना इसे छोड़ दे। उसे भी छोड़ दिया, बदकारी करने के लिए बढ़ा। फिर यही ख्याल आ गया कि अगर सुबह नबी की बारगाह में हाजिरी लग गई और मेरा नबी मुझसे दरियाफ्त कर लिया ऐ शख्स रात कैसी गुजरी, तो झूठ तो बोलना ही नहीं है, कहना पड़ेगा आका मैंने बदकारी की है, बड़ी रुसवाई होगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी, लिहाजा क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए। उसे भी छोड़ दिया। खुदा की शान देखिए, सुबह सुबह उस शख्स की हाजिरी नबी की बारगाह में लग गई और जैसे ही बारगाहे रिसालत में पहुंचा तो देख कर दंग रह गया कि मेरे नबी का काशाने ताहिरा दीवानों से भरा पड़ा हुआ है। उन्हीं दीवानों में सिद्दीक भी जगमगा रहे हैं, उमर भी जगमगा रहे हैं, उस्मान भी जगमगा रहे हैं, अली भी जगमगा रहे हैं, जुबैर भी मुस्कुरा रहे हैं, तलहा भी मुस्कुरा रहे हैं, अबू ज़र गिफारी भी झूम रहे हैं। और जैसे ही इस शख्स का सामना नबी का हुआ, मेरे नबी ने फौरन दरियाफ्त कर लिया ऐ शख्स रात कैसी गुजरी, कहने लगा या रसूल अल्लाह आपने तो एक ही छुड़ाया था, मुझे सब देखा आपने। ऐसे भी साहिल को मेरे आका ने मायूस न जाने दिया, और जाने क्यों देते, हर चीज का कौसर देकर हर चीज का मालिक बना दिया है, शरीके ऐश इशरत सब है, लेकिन मुसीबत काटने वाले तू ही हो, करम सब पर है, कोई भी हो कहीं भी हो तुम ऐसे रहमतुल लिलालमी हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है,
मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।